सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव मदनुकी में करंट लगने की घटना हुई है। शनिवार सुबह चार युवक मदनुकी गांव के जंगल में पेड़ काटने गए थे। चारों ने अभी पेड़ काटना भी शुरू नहीं किया था कि अचानक बहुत नीचे से गुजर रही हाई टेंशन तार ने चारों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें थाना गंगोह इलाके के गाँव फतेहपुर के रहने वाले 25 साल के नौशाद, 28 साल के सद्दाम तथा 20 साल के अजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इनका तीसरा साथी आरिश गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे का पता लगते ही सैकड़ों ग्रामीण व थाना पुलिस के अलावा भाजपा विधायक देवेंद्र निम भी मौके पर आ गए। ग्रामीण ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अनुज कुमार, मैं ग्राम प्रधान मदनू की। आज सुबह 8:30 बजे, लगभग 8:30 बजे, एक गाँव में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना की पूरी जिम्मेदार बिजली विभाग है। बिजली विभाग की एक नई लाइन गांव के खेत के जंगल से जा रही है, बिना परमिशन के, बिना इसकी सेफ्टी के, जिसमें सेफ्टी कार्ड डलता है ना तार में। तो कुछ मजदूर पेड़ देखने के लिए गांव में आए हुए थे, जो तीतर थाने के लगभग गांव में उनका पड़ता है फतेहपुर, वहाँ के मजदूर थे, तो पेड़ देखने के लिए आए थे। वो इसकी चपेट में आ गए, जबकि इसमें कोई लाइट अभी चालू नहीं करी। कहाँ से लाइट आई, कहाँ से, तो बिजली विभाग बताऊँगे। जो हमारे एक्शन है उनसे बात हुई, एक्शन साहब अक्षय जिनका नाम है, वो कह रहे हैं कि हमारी विभाग की तो लापरवाही नहीं, अब तक कोई अधिकारी बिजली का मौके पर नहीं पूछा। और यहाँ लोगों में पूरा आक्रोश है, उनके परिजनों में पूरा आक्रोश है, सब लोग ये कह रहे कि ना इंसान मिले, क्यों बेगुनाह एक एक बच्चे, 3 लोग की मौत होगी, चौथा जो है घायल है, और काफ़ी लोग और चपेट मारते हैं, क्यों घास लेने के लिए गाँव में से काफ़ी लोग जो है खेत मारते हैं। बड़ी दुर्घटना होने से और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, तो इसके सबका जिम्मेदार बिजली विभाग है। बिजली विभाग की लापरवाही, इतनी लापरवाही है, आप अगर एक मिनट कैमरा मैन दिखाना चाहो तो दिखा दो लाइन कि तार जो है बिल्कुल नीचे न जा रही है। जब तक इसमें नीचे न तार है, जब पूरी लाइन कंप्लीट नहीं हुई, तो बिजली कहाँ से छोड़ दी इन्होंने। एक्शन साहब से फ़ोन कराया, एसडीओ साहब से फ़ोन कराया, चीफ साहब से फ़ोन करा, अभी तक बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया। जब तक बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं मौके पाओगा, तो यहाँ से लाश हम लोग नहीं उठने देंगे। इन साहब जब तक नहीं मिलने का, जब तक जो है हम नहीं लाश को यहाँ से नहीं उठाने देंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।